हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचनास किचन। आज मैं बनाऊंगी स्टीम्ड कैबेज डम्पलिंग्स, जो एक बहुत हेल्दी और टेस्टी टी टाइम स्नैक है। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए एक मीडियम साइज की कैबेज, फाइनली श्रेडेड, एक कप बेसन जो कैबेज के मॉइस्चर के हिसाब से डलेगा, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी यूज कर सकते हैं, 2 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ग्रीन चिलीज ज्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून आटा, व्हीट फ्लार, खूब सारा हरा धनिया फाइनली चॉप्ड, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून जीरा एंड 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब हम चलते हैं अपने मिक्सिंग प्रोसेस की तरफ। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने डाल दिया है बेसन, उसके बाद आटा, फिर जीरा और अजवाइन, फिर हल्दी, अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, फिर कसूरी मेथी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, उसके बाद चीनी, अब मैंने डाल दिया है हरा धनिया और फिर लेमन जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब हम बीच बीच में बेसन डालते जाएंगे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी। अब हमारा डम्पलिंग्स का डो स्टीम होने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ मैंने डम्पलिंग्स को स्टीम करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी डाल दिया है। पानी गर्म होने के बाद स्टीमर को थोड़ा सा ग्रीस करके उसमें रख दूंगी। अब डो को डम्पलिंग्स की शेप देते हुए मैं स्टीमर के ऊपर सेट करके रख दूंगी। डम्पलिंग्स को स्टीम होने के लिए करीब 16 से 18 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। स्टीमिंग का ये प्रोसेस मीडियम टू हाई फ्लेम पर होगा। अब करीब 15 मिनट हो चुके हैं, डम्पलिंग्स को हम चेक कर लेंगे एक फोक की मदद से, और फोक अगर क्लीन बाहर आ जाता है तो मतलब डम्पलिंग्स रेडी हैं। अब डम्पलिंग्स को 2 से 3 मिनट तक बिना ढके स्टीम होने देंगे। अब हम तैयार डम्पलिंग्स को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के डो की डम्पलिंग्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर किसी ओकेजन के लिए आप अपना एक स्नैक बना कर रखना चाहते हैं तो ये डम्पलिंग्स आप पहले से तैयार करके बिना तड़के के किसी एयरटाइट बॉक्स में रेफ्रिजरेट करके 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। अब तैयार डम्पलिंग्स को इस तरह से कट करके तड़के के लिए रेडी कर लेंगे। अब हम चलेंगे अपने तड़के के प्रोसेस की तरफ। तड़के के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 3 to 4 ड्राई रेड चिलीज और फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निश। तड़के के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, उसमें मैं 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गर्म होने पर उसमें मैं रेड चिलीज डाल दूंगी और फिर मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को हल्का सा भूनने के बाद उसमें मैं सेसमी सीड्स डाल दूंगी और उन्हें भी थोड़ा सा भून लूंगी। 3-4 सेकेंड्स में सेसमी सीड्स का रंग थोड़ा बदलने लगेगा, तब उसमें मैं अपने डम्पलिंग्स के टुकड़ों को डालकर अच्छे से चला लूंगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद सेसमी सीड्स सभी डम्पलिंग्स के टुकड़ों पर कोट हो जाएंगे। अब लास्ट में चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम तैयार डम्पलिंग्स को अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। स्टीम्ड डम्पलिंग्स को और हेल्दी बनाने के लिए हम कैबेज के साथ कैरेट को भी ग्रेट करके मिक्स कर सकते हैं। स्टीम्ड होने की वजह से ये डम्पलिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी लाइट हैं। तो अब हमारा टी टाइम स्नैक रेडी है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।